और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा पहुंचे हुए हैं चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ यहां पर आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी देख सकते हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं यहां पर। और ब्रजेश पाठक भी मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ पहुंचे हैं विधानसभा और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में देश की सत्ता की राह, देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है, इस बात का उद्घोष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। चौधरी साहब के गांव के लिए, किसानों के लिए किए गए योगदान को स्मरण करते हुए वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार खेती और किसानी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग वर्तमान में कोरोना कालखंड में देख रहे होंगे कि जब दुनिया अस्त व्यस्त है तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए लोगों को कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में खेती के लिए आवश्यक डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपये प्रति बोरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को ही आगे बढ़ाया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आजादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने
निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी साहूकार और मुनाफाखोर से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान, इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई रही हो, या फिर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का, पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य किसानों के खाते में देकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान आजादी के बाद किसी भी सरकार ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान भी नहीं किया। कोरोना कालखंड में चाहे फर्स्ट पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें बंद, जो पहले बंद बहुत सारी जिसमें बंद थी, हमने उनको चालू रखा, कोरोना कालखंड के दौरान भी उसको चालू रखा, जिससे गन्ना किसान कहीं से भी पीड़ित न होने पाए, प्रताड़ित न होने पाए, या उनकी गन्ना की फसल खराब न होने पाए। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने और दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, प्रदेश सरकार ने उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है और राज्य के अंदर 2,42,00,000 से अधिक किसान वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित हैं। कृषि सिंचाई की योजनाएं, जिसमें बाण सागर की परियोजना को पूरा करने का कार्य हो, या फिर अर्जुन सहायक, मध्य गंगा या सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, ये राज्य सरकार की किसानों के हित में किए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम हैं। कोरोना कालखंड में ही गेहूं क्रय केंद्र वर्तमान में भी संचालित हैं, जहां दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन में हैं, तमाम राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बचाते हुए उद्योगों का संचालन करना, खेतीबाड़ी का कार्य किसानों को पूरे सुरक्षा कवच देते हुए खेतीबाड़ी का कार्य अनवरत रूप से चलना, प्रदेश ने अब तक 38,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किया है, किसानों के खाते में DBT के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का दाम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई 1,975 रुपये समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों के हितों को पूरी तरह संरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो अफवाहें चल रही थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, हित के लिए, श्रमिकों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज जब चौधरी साहब की
34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किसान भाइयों के हित में किए जाने वाले ये कार्यक्रम चौधरी साहब के किसान हितेशी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक परंपरा है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि देश के सत्ता का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, तो उस खेत और उस खलिहान की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अपने किसान भाइयों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के परम हितेशी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर याद किया, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने बताया कि वो किसानों के हितैषी थे और किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई उसका लाभ आज भी किसान उठा रहे हैं और 2,42,000 गन्ना किसान समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को दिया जा चुका है। बिजली दर इस बार नहीं बढ़ाई जाएगी इस लॉकडाउन के दौरान, ये एक राहत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई। और वक्त हो गया छोटे